Massive breaking coming up. Hardik Pandya named as captain of Mumbai Indians. Trade हुआ था, हार्दिक पांड्या वापिस आए, रोहित शर्मा को हटा के मुंबई इंडियंस ने बना दिया है भाई कप्तान हार्दिक पांड्या को। तो क्या ये रोहित शर्मा रोहित शर्मा यार क्या ये रोहित शर्मा का टेन्योर खत्म T20 में? क्या ये साफ साफ संकेत है कि मुंबई इंडियंस इज इन ट्रांजिशन फेज? और मुंबई इंडियंस ने अभी एक प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें अपना नया कैप्टन अनाउंस कर दिया है हार्दिक पांड्या को। और ये सबसे अहम बात ये रहेगी कि जो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा की जो कप्तानी का जो एक रोल था वो अब उन्होंने ये भी जाहिर किया उसमें अपने प्रेस नोट में लिख के कि भाई हम उनके आभारी रहेंगे और अब उनसे हम ऑन एंड ऑफ द फील्ड ऑन एंड ऑफ द फील्ड। क्या अब रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के अंडर खेलेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। और इन्होंने अगर मैं फुटबॉल टर्म्स में बात करूं तो रियल मैड्रिड जैसा कर दिया है, ट्रांजिशन फेज हार्दिक पांड्या को उठाया दूसरी फ्रेंचाइजी से बात करके। हार्दिक पांड्या 15 करोड़ में ट्रेड हुए और कप्तान बन गए हैं मुंबई इंडियंस के, अनाउंस कर चुकी है मुंबई इंडियंस ऑफिशियली। इट्स समथिंग विच आई ऑल्सो पर्सनली बिलीविंग दैट हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बनेंगे। अब इसके पीछे क्या हो सकता है भाई, ये देखो क्रिकेट है। हार्दिक पांड्या आने के बाद रोहित शर्मा भी नाखुश थे, रिपोर्ट्स बता रही थी, जसप्रीत बुमराह ने अपनी स्टोरी डाल के और अपनी नाखुशी जाहिर करी थी। फिर बाद में ये चाहे कितने भी बहाने बनाते रहे ना सूर्य कुमार यादव जो अभी इंडिया को लीड कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या लीड नहीं कर रहे हैं भाई इंडिया को। हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में और जितने ये मुंबई लोबी वाले लोग थे ना कि भाई रोहित शर्मा लीड करेगा T20 वर्ल्ड कप में, देख लो सब जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। रोहित शर्मा इज नो वेयर नियर द कैप्टेंसी एंड रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस ने पर्सनली ये सोच लिया है और रोहित शर्मा को भाई बताया भी नहीं इस चीज़ का। रोहित शर्मा को कुछ मालूमात नहीं है कि हार्दिक पांड्या का ट्रेड हो रहा है, मुझे कप्तानी से हटाया जा रहा है। द फाइनेस्ट कैप्टन मैं मानता हूँ रोहित शर्मा को। IPL का सिर्फ 5 IPL ट्रॉफी जिताई रोहित शर्मा ने और फ्रेंचाइजी ने ये इज्जत दी। अभी अगर वो खेलेंगे तो हार्दिक पांड्या के नीचे खेलना पड़ेगा। क्या वो ये कबूल करेंगे या नहीं करेंगे या फिर वो अब जो है नाखुश नज़र आएंगे और अगले IPL ऑक्शन में, तो अगले तो मेगा ऑक्शन है ना, तो वहाँ वो रिटेन भी नहीं होंगे, रोहित शर्मा रिटेन भी नहीं होंगे। तो अब कुछ ऐसा कदम हमें देखने को मिल सकता है क्या कि रोहित शर्मा जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की वर्दी पहनते नजर आए या KKR या दिल्ली कैपिटल्स की, कि अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो। देखो मैं साफ कह रहा हूँ कि मुझे रोहित शर्मा की कैप्टेंसी स्टाइल IPL में ठीक ठाक लगती थी, वर्ल्ड कप में हमने देख लिया है 15 महीने में 3 वर्ल्ड कप उन्होंने बोटल डाउन कर दिए हैं। तो अभी रोहित शर्मा का टेन्योर खत्म कर दिया है मुंबई इंडियंस ने ऑफिशियली, हार्दिक पांड्या को बना दिया है कप्तान और वाइस कैप्टन डिप्टी का अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया है। डिप्टी पे लड़ाई है, जसप्रीत बुमराह को बनाएंगे या सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं ना T20Is में। तो मैसिव डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर मुंबई इंडियंस बट फॉर IPL और सभी IPL फ्रेंचाइजियाँ। देखो बोल्ड मूव अगर है फ्रेंचाइजी पूछो तो मुंबई इंडियंस का ये बोल्ड मूव है, जिस प्रकार से मुंबई इंडियंस ने अपने प्लेयर्स को किस प्रकार से फ्यूचर प्लानिंग की है। और ये प्लानिंग देखो मेगा ऑक्शन में भी हो सकती थी। कई लोग कहेंगे, अब रोहित के सपोर्टर्स जो हैं वो ये कहेंगे कि देखो हम सोच रहे थे कि एक साल और कर लेते, इनका क्या जाता ये जाता। अब मैं देखना चाहूँगा वो रोहित के फैंस किस टीम को सपोर्ट करेंगे, मुंबई इंडियंस को करेंगे या किसको करेंगे। देखो मुंबई इंडियंस नो डाउट एक अच्छी फ्रेंचाइजी बनाई है रोहित शर्मा ने, तेंदुलकर थे इस फ्रेंचाइजी में, पोंटिंग थे, भज्जी थे, सब थे, लेकिन एक जो इफेक्ट डालते थे वो रोहित शर्मा डालते थे एज ए कैप्टन। मैं बार बार कह रहा हूँ एज ए कैप्टन। पिछले जो है वो 4 IPL सीजन में रोहित शर्मा की 650 है, तो ये बैटिंग पे भी क्वेश्चन मार्क है। और अब अगर रोहित शर्मा इस IPL में बल्ले से रन नहीं बना पाएंगे तो उनको सीधा टीम से भी बाहर कर देंगे, ड्रॉप भी हो सकते हैं। ये नौबत आ गई है इंडिया के एक सीनियर प्लेयर की और इंडिया के अभी ऑन पेपर जो कैप्टन है, देखो अभी रिजाइन तो नहीं लिया ना उन्होंने, तो ये तो एक मैसिव डेवलपमेंट टुवार्ड्स मुंबई फ्रॉम मुंबई इंडियंस by naming Hardik Pandya as captain. Dipti is yet to be announced. Thank you for watching. Stay tuned, stay updated with Sports Talk with Rohit. ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, बने रहें। धन्यवाद।